हर व्यक्ति का धर्म करने का अपना अपना तरीका होता है। ऐसे ही विदिशा के पठारी में विगत 10 वर्षों से कमलेश सिंह यादव के नेतृत्व में सुबह 5 बजे से रामधुन गाकर प्रभात फेरी अपने 8 साथियों के साथ निकाल रहे हैं। प्रभात फेरी के द्वारा सुबह से जल्दी उठना, शारीरिक व्यायाम के साथ धर्म लाभ भी ले रहे हैं। विगत 10 वर्षों से संगीतमय रामधुन की प्रभात फेरी पहले आधे नगर की मुख्य मार्गों से होकर निकलती थी, लेकिन विगत 2 वर्षों से पूरे नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकल रही है। प्रभात फेरी के संचालक कमलेश यादव ने बताया कि विगत 10 वर्षों से कैसा भी मौसम हो, ठंड, गर्मी या बारिश, हर मौसम में प्रभात फेरी निकाली गई है। पूरे नगर में प्रभात फेरी के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को विशेष भजनों का गायन कर एक दूसरे को बधाई दी गई। प्रभात फेरी में कमलेश यादव, शिवदयाल साहू, मोतीचंद साहू, रवि विश्वकर्मा, रवि कुशवा, वीर सिंह यादव, अरविंद पाल आदि नियमित रूप से प्रभात फेरी में जाते हैं। इस प्रभात फेरी से कम धर्म की प्रभावना बढ़ रही है, जिससे आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी शिक्षा प्राप्त होती दिख रही है। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। आप या फिर बात फेरी निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं और कब से निकल रही है? ये निकल रही 10-12 साल से, और गांव की या क्षेत्र की सुख शांति के लिए निकाल रहे थे। और फिर जो है जी कोरोना काल लगा, तो फिर पूरे गांव में पूरी डबल रोड लिया कि भाई कोरोना मिट जाए, गांव से ना देश से प्रदेश से भगे, शांति मिले, इसलिए लंबी कर गई, रेगुलर कर रही है। कब, कितने साल हो गए इसके लिए? इसके लिए 2 साल हो गए जी, लंबी पूरे गांव में। नहीं, इसके पहले भी निकलती है, कब से निकल रही है, कितने साल पहले से? जी 12 साल हो गई करीब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।